इस लेसन में हम सीखेंगे मधुबनी आर्ट या मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर डिजाइन या मोटिव्स कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं मधुबनी आर्ट में ज़्यादातर लाइन एंड मोटिव्स ही यूज होते हैं, इसलिए मैं आपके काम आसान करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाया हूँ कुछ बॉर्डर पैटर्न्स। इसमें 10 के 10 पैटर्न्स हैं। इस पैटर्न्स को आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगले कोई भी मधुबनी पेंटिंग में इसको यूज करके बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले दो दो लाइन दे देंगे और इसमें बनाएंगे वी 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 पैटर्न्स। इसके अंदर डबल लाइन करने के लिए और वी। अब इसको डायगोनली कटेंगे, इसको इधर, दूसरे को इधर, लाइनिंग से इसका डिजाइन करेंगे। अंदर जो ऊपर है स्पेस उसमें हम कलर करेंगे, अलग अलग कलर करेंगे, दो स्पेस छोड़ के फिर रेड और फिर येलो। नंबर 2, इसमें बनाएंगे सर्कल। सर्कल के अंदर डबल लाइन करने के लिए एक और सर्कल, बॉर्डर को कट देंगे इसको। इसमें भी पहले येलो से कलर करते हैं, दो सर्कल को छोड़ के फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर दो को छोड़ के फिर ग्रीन, फिर इसमें कुछ और कलर ब्लू कर दिया मैंने। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। इसको भी ऐसे डायगोनली काटेंगे, इसको इधर, उसको उधर, इसको लेफ्ट टू राइट, इसको राइट टू लेफ्ट। बनाएंगे कुछ लिप्स डिजाइन, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसको दो लाइन बनाने के लिए नीचे से हमने ऊपर ऊपर और नीचे दो दो लाइन कर दिया। फिर इसमें भी ऐसे अल्टरनेट कलर करेंगे, एक एक को छोड़ के ऑरेंज कर दिया, फिर एक छोड़ के फिर ग्रीन। ये हमारा 3 नंबर हो गया। फिर इसको बीच में जो स्पेस है उसको भी लाइन से काटेंगे। नंबर 4, इसमें फिर वी शेप बनाएंगे, वी वी वी। फिर इसको क्रॉस करने के लिए अंदर अंदर काटेंगे, फिर दो दो लाइन बनाने के लिए इसके अंदर भी डायमंड शेप का बना रहे हैं। इस ऊपर वाला स्पेस को हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट काटेंगे, नीचे भी करेंगे और बीच में जो है उसमें अल्टरनेट कलर करेंगे। पहले ब्लू कर दिया, बीच में 3 को छोड़ के फिर ब्लू, फिर ऑरेंज में 3 को छोड़ के फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन। नंबर 5, सीधा लाइन इसमें कर दिया, यहां से इसको जोड़ना है, इसको सेंटर में से इसको जोड़ना है, ये हमने जोड़ दिया। फिर इसमें से फ्लावर टाइप का, पेटल्स टाइप का बनाएंगे, ये हमने बना लिया। फिर इसको जो खाली स्पेस है उसको फिर सीधा सीधा काटेंगे। इसमें अंदर में भी दो दो लाइन कर दिया, इसको ब्लू कलर कर दिया अंदर, इसमें ऑरेंज। आप कोई भी कलर कर सकते हैं और जो बैकग्राउंड है उसमें भी आप अलग अलग कलर करिए, अच्छा लगेगा। नंबर 6, इसमें कुछ डोम टाइप का बनाएंगे, हमने डिवाइड कर लिया, फिर इसके अंदर और पार्ट करेंगे, फिर इसके अंदर एक और, ऊपर वाला हिस्सा हम स्ट्रेट लाइन लाइन से काटेंगे, नीचे वाला जो स्पेस है उसमें हम अल्टरनेट कलर करेंगे, दो दो करके छोड़ के हमने ब्लू डाल दिया, फिर दो छोड़ के ऑरेंज, फिर बीच में एक बचा है उसमें हम ग्रीन कर दिए। नंबर 7, कुछ सेमी सर्कल टाइप का, इसमें भी दो लाइन, याद रहे आपको दो दो लाइन बनाना ही है, दो दो लाइन ही इसका स्पेशलिटी है। फिर ऊपर का हिस्सा हमने काट दिया, फिर नीचे का जो है उसको भी हमने काट दिया। अभी ऊपर का जो
जो खाली स्पेस है उसमें हम कलर से भरेंगे, ऑल्टरनेट कलर से। आप सेम कलर भी भर सकते हो, पर ऑल्टरनेट थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऑल्टरनेट भर दिया। कभी सेम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। नंबर 8, दो लाइन दे दी, इसके बीच में से एक लाइन और काट दिया, फिर इसको ऐसे घुमा के लाया, फिर ये हार्ट शेप जैसा बन गया। इसको भी दो दो लाइन कर दिया, इसके बॉर्डर को काट दिया, फिर इसको ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें हमने ग्रीन कर दिया, सब में ग्रीन कर दिया, और नीचे वाले में ब्राउन कर दिया। आप कोई भी कलर, दो कलर कर सकते हैं। नंबर 9, इसमें कुछ कर्व लाइन से करेंगे, कर्व लाइन इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये ऊपर से इसको नीचे पेटल जैसे बनाएंगे। फ्लावर टाइप का हमने बनाया, इसका भी ये वाला हिस्सा हम सब में बराबर रखेंगे, सेम कलर रखेंगे, और इसको बनाएंगे येलो से, पेटल्स जो है उसको येलो से करेंगे। और ये हमारा नंबर 10, इसमें भी सेमी सर्कल टाइप का बनाया, दो दो लाइन, फिर इसके अंदर दो दो लाइन और, फिर इसको ऐसे काटना है, सीधा सीधा काटिए इसको, फिर इसको ऊपर से घुमा के राउंड करके लेके आइए, सब में अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले पोर्शन को हमने ऑरेंज रखा है, अंदर वाले को रेड कर दिया है, और इसको हम ब्राउन से कर देंगे, इसको हम ब्राउन से कर देंगे। बचता हमारा जो बैकग्राउंड, उसमें हम येलो कलर से उसको फिनिश करेंगे। और ये था हमारा 10 पैटर्न्स मधुबनी बॉर्डर बनाने के लिए, और इसमें से कोई भी एक चूज करके आप कोई भी एक बढ़िया बॉर्डर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।